हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी फ्रेंड राखी आज आप लोगों के साथ मेरी एक एक्सपेरिमेंट वाली रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले मैंने अपने गार्डन के पपाया ट्री की वीडियो शेयर की थी, जिसमें से मैंने दो दो पपाया तोड़े थे। उसमें से एक पपाया की मैंने कुछ बनाई थी, पपाया राइस। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर की जाए। तो चलिए देखते हैं हमें पपाया राइस के लिए क्या क्या चाहिए। मैंने सबसे पहले तो आधा पपाया लिया है, जो कि आधा केजी का है, और एक कप चावल, पौन कप दूध और आधा कप नारियल का बुरादा लिया है। किशमिश लिए हैं 2 टेबलस्पून, काजू 10-12, बादाम 8-10, 1 तेज़पत्ता, 7-8 काली मिर्च, लौंग 3-4, इलायची 3-4, दालचीनी के 2 छोटे टुकड़े लिए हैं, नमक 1/2 चम्मच, घी 2 टेबलस्पून, शक्कर 2 टेबलस्पून। सबसे पहले मैं पपाया को छिलका उतार कर कद्दूकस कर ले रही हूँ। देखिए, इस तरह से कर लिया है। अब मैंने गैस पर कढ़ाई गरम कर ली है, उसमें सबसे पहले 1 टेबलस्पून घी ले रही हूँ। घी पिघल चुका है तो इसमें मैं पहले बादाम को काट कर फ्राई कर ले रही हूँ। हल्का सा फ्राई करूंगी, बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे। देखिए, बस इतना ही फ्राई करना है। इसे मैं निकाल ले रही हूँ अभी। अब इसी घी में काजू को भी फ्राई कर लेंगे। इसे भी बहुत फ्राई नहीं करना है, ये भी बस हो गया तो निकाल ले रही हूँ। अब किशमिश को भी फ्राई कर लूंगी, उससे तो बिल्कुल ही हल्का सा फ्राई करना है। देखिए, ये भी हो गया। अब इसी घी में मैं तेज पत्ता, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी, इलायची डालकर फ्राई कर ले रही हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग को मेरी पुरानी रेसिपीज चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर की हुई है, तो वहाँ से चेक कर लें। गरम मसाला फ्राई करने के बाद मैं उसमें पपाया को भी फ्राई कर ले रही हूँ। पपाया फ्राई हो गया, उसमें मैं नमक डालकर थोड़ा सा और पकाऊंगी। अब इसमें 2 टेबलस्पून शक्कर भी डाल दे रही हूँ। इसे भी पिघलने तक फ्राई कर ले रही हूँ। कोकोनट पाउडर मतलब नारियल का बुरादा भी डाल दिया, उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसके साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें दूध डालकर अच्छे से पकाऊंगी, दूध सूखने तक इसे पकाना है। दूध सूख चुका है तो अब इसमें चावल को डाल दे रही हूँ। चावल को मैंने 1 घंटे भिगा कर रखा था अच्छे से। अब ये थोड़ा सा सूखने तक इसे मिक्स कर रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ मैं। अब इसमें मैं 1.25 कप पानी ऐड कर रही हूँ। अब पानी के साथ इसे पकने दूंगी, मैं ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए पकने दूंगी। 10 मिनट हो चुके हैं, देखिए पानी सूख चुका है पर थोड़ा सा गीलापन है अभी भी इसमें। चावल को एक बार चेक कर लेती हूँ। चावल पक चुकी है पर थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, तो मैं इसे और ढक्कन लगाकर 5 मिनट और पकने दूंगी। ये सारा काम मैं मीडियम फ्लेम में कर रही हूँ। और 5 मिनट हो गए, देखिए पानी पूरा सूख चुका है और हमारा चावल भी रेडी है। तो अब इसमें मैं और 1 टेबलस्पून घी डाल दूंगी।
और मैंने चावल को टेस्ट किया था तो मुझे थोड़ी सी फीकी लग रही थी, इसलिए मैं और 2 टेबलस्पून शक्कर डाल दूंगी। कई बार हम लोग मार्केट से पपीता लाते हैं जो कि बहुत फीकी होती है, तो उसको हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे तो ये मीठी वाली चावल बहुत अच्छी लगी, इसलिए आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी बना कर देखें, बहुत अच्छी लगती है। देखिए पपाया राइस रेडी है बिल्कुल। तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे। तो ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो मैं इसे सर्व कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लोग अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें फ्रेंड्स, और बने रहें मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।